कोरोना वायरस के चलते रुकी हुई बोर्ड परीक्षाओं को संपन्न कराने के लिए शिक्षा विभाग ने अपनी कमर कस ली है, जिसके चलते आज काशीपुर में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बोर्ड परीक्षाओं के अधिकारियों के साथ बैठक ली, जिसमें जून माह में बोर्ड परीक्षाओं को संपन्न कराने पर विचार विमर्श किया गया। बता दें कि कोरोना वायरस के चलते बोर्ड परीक्षाओं पर रोक लगा दी गई थी, यही कारण था कि बोर्ड परीक्षाएं संपन्न नहीं हो पाई, जिसके बाद अब शिक्षा विभाग ने बोर्ड परीक्षाओं को संपन्न कराने की तैयारियां शुरू कर दी है, जिसके चलते आज काशीपुर के मंडी गेस्ट हाउस में बोर्ड परीक्षाओं के अधिकारियों के साथ शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बैठक की, जिसमें निर्णय लिया गया कि जून माह में बची हुई बोर्ड परीक्षाओं को संपन्न कराया जाएगा, जिसके बाद जल्द ही परीक्षा परिणाम की भी घोषणा की जाएगी। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बताया कि बोर्ड परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और छात्र छात्राओं का बचाव का पूरा ध्यान रखा जाएगा, जिससे छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहे, जिसके लिए परीक्षा केंद्र को सैनिटाइज कराने का कार्य शुरू कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि एक दिन के भीतर बोर्ड परीक्षाओं की तिथि भी घोषित कर दी जाएगी, साथ ही परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल भी तैनात रहेगा, जिससे परीक्षा केंद्र में आने वाले छात्र छात्राएं भीड़ में एकत्रित न हो। बैठक में शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर आर के कुंवर, शिक्षा विभाग के सचिव, अपर सचिव और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। पूरा विश्व संकट में और इस लॉकडाउन की वजह से बच्चों के पेपर कहीं प्रभावित हुए, हमारी कोशिश है कि इसी महीने के अंदर अंदर हम बच्चों के पेपर जो बचे हुए हैं इनको हम करवा लें, ताकि ठीक समय पर इनको हम परीक्षा परिणाम दे सकें, क्योंकि बच्चों को बाद में हायर एजुकेशन भी जाना पड़ता है, कोई कंपटीशन में जाना पड़ता है, तो हम सोच रहे हैं कि हमारे बोर्ड के एग्जाम की वजह से लेट ना हो। और मुझे ऐसा लगता है कि आज हम बच्चों के डेट किस किस डेट में किस किस पेपर के होंगे, ये हम डेट आज शाम तक या कल सुबह तक हो सकते हैं। छात्र संख्या को देखते हुए पहले इंटर और हाई स्कूल दोनों बच्चों के मिक्स पेपर लगाए जाते थे बैठा के, हमने कोशिश की है कि एक पाली में मात्र इंटर के बच्चे आएँ और दूसरी पाली में हाई स्कूल के आएँ, ताकि हम सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर पालन करते हुए सैनिटाइज कुर्सियों को, बिल्डिंग को, कागजों को, इन सबको सैनिटाइज करते हुए हम पूर्ण सुरक्षा के साथ बच्चों के पेपर कराना चाहते हैं, ताकि हमारे किसी बच्चे का भविष्य अंधकार में न पड़े और इसे कोरोना महामारी से हम बच्चों को बचा सकें। इसके लिए पूरा जो स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन है, इसका हम पालन करें।